हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपेरिमेंटल फूडी। मेरा नाम है रिया और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक क्विक रेसिपी जो कि है शकरकंदी की चाट, जो कि बहुत ही बेसिक और इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। चलिए शुरू करते हैं बनाना शकरकंदी की चाट। उसके लिए आपको चाहिए शकरकंदी, और ये जो सेव है इसमें कुछ नहीं है सिवाय नमक के, और ये हैं कुछ मसाले, नींबू, नमक और चाट मसाला। यह मूंगफली के दाने इसमें कोर्सली ग्राइंड किया है ताकि वो पूरा समूचे नहीं रहे, और यह है प्याज और इसमें दो मिर्च को काटा है। ये धनिया, टमाटर और पुदीने की चटनी है, और ये गुड़ और इमली की चटनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि इसको कट कैसे करना है। तो आप अपने शकरकंदी को उबाल करके छील लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको ऐसे बीच से कट करके इसको ऐसे ही इसमें कट कर दीजिए, जिस भी बर्तन में आपको उसको बनाना है। ये नमक मसाले वगैरह थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, क्योंकि चटनी है जो भी है उसमें थोड़ा थोड़ा नमक पड़ा हुआ है। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हमने। ये प्याज और मिर्च ऐड कर देते हैं। और ये जो धनिया वाली चटनी है उसको ऐड कर देते हैं 1-2 चम्मच। यह है मीठी चटनी। ये जो हमारे सेव है ना, इसको हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, वरना फिर वो नरम होने लग जाएंगे। दानों को हम अभी ऐड कर देंगे इसमें ही। अब हम इसको इसी चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और साथ ही साथ जो ये नींबू रखा है हमने आधा, इसमें से भी कुछ इसमें ऐड कर लीजिए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो वो जो लाल मिर्च डाली थी वो आधी चम्मच तक थी, और चाट मसाला भी आधा चम्मच तक था। अगर आपको कड़वा ज़्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च और हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसको एक बोल में निकाल लेते हैं छोटे से। ये देखिए बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, और अब हम इसमें ऊपर से ऐसे सेव ऐड कर देंगे। तो तैयार है हमारी शकरकंदी की चाट। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।